बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यासिन साहब क्या हाल है? अल्लाह के शुक्र आप सेहत ठीक है सर। इंशाल्लाह। सर ज़कात महकमे से हैं आप? हाँ जी। तो क्या तरीक़ेकार होता है जो गरीब लोगों को ज़कात देने का तरीक़ेकार क्या है? तरीक़ेकार ये है कि हर कमेटी में एडमिनिस्ट्रेटर लगाए जाते हैं। अच्छा, वो कौन लगता है एडमिनिस्ट्रेटर जो है? वो अपना डीसी साहब ने लगवाए हैं। डीसी साहब लगाए हैं? हाँ जी। सरकारी अफिसर लगता है कोई? सरकारी अफिसर नहीं, पहले चेयरमैन बनते हैं। अच्छा, गवर्नमेंट नहीं है। अच्छा, तो अपना सोलह स्केल से सरकारी अफिसर लगाए हैं। वो चेयरमैन होते हैं या एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं? एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं अपने इलाके के। हाँ जी, अपने इलाके, अपनी कमेटी के। यानी अच्छा, कमेटियों में नहीं अपना पढ़े लिखा आदमी होता सोलह स्केल का, दूसरी कमेटी से भी लिया जाता है। अच्छा, तो लगाता डीसी साहब है? हाँ, डीसी साहब लगा। अच्छा, तो साल के लिए होता है? छः महीने के लिए होता है तकरीबन। तो फिर वो अपना तस्वीर की जाती है। तो अगर ना गवर्नमेंट बने तो एडमिनिस्ट्रेटर का क्या काम होता है? इसका काम होता है ज़कात देना मुस्तहकीन। नहीं, वो चेक साइन करके देता है या अकाउंट? चेक नहीं देता, वो अपना लिस्ट बना कर देता है अभी वो इलाके की कि फला फला वो मुस्तहक है। वो चेक अगर वो अपने दफ्तर वाले देते हैं, जिले ज़कात चेक ज़कात के दफ्तर वाले देते हैं। हाँ, जिले ज़कात। तो वो इजी पैसे के जरिए जाते हैं? पैसे कैसे जाते हैं? उनको अपना ना इजी पैसा के थ्रू पैसे मिलते हैं मुस्तहक। अच्छा, तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वो अलहदा है? वो अलहदा है। ज़कात का अलहदा है? तो किसी बंदे ने जो मुस्तहक हो उसे इंदराज करवाना हो तो वो एडमिनिस्ट्रेटर के साहब? अच्छा, अपने पास जाए वो इंदराज करवा सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर साहब करवा सकते हैं इंदराज? सर बहुत शुक्रिया।